बरसात के पानी को बचाने के लिए वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज मालावत द्वारा F4 संस्था के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर जल संचय अभियान चलाया जा रहा है। जल ही जीवन है, इस नेक कार्य में मिल रहा है क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग। बरसात के पानी से बढ़ाया जाएगा जमीन का जलस्तर। इसी क्रम में वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज मालावत ने पाइपलाइन के द्वारा बारिश के पानी को पार्क में बने झोड़ में जमा करने हेतु काम करने की शुरुआत की है। दिल्ली में हर साल बारिश की वजह से काफ़ी पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और नालों में जाकर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसका प्रयोग नहीं हो पाता। लेकिन वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज मालावत ने बर्बाद हो रहे बारिश के पानी को पाइपलाइनों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से वापस जमीन में पहुंचाने या दोबारा प्रयोग में लाने की शुरुआत की है। पर्यावरण को अच्छा रखने की कोशिश मनोज मालावत लगातार अपने वार्ड के कई इलाकों और पार्कों में वृक्षारोपण कर भी कर रहे हैं। पार्क के जोड़ में कुछ ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं जो पानी को साफ भी रखेंगे। निगम पार्षद मनोज मालावत ने फोर्स NGO और RW के साथ मिलकर जमीन का जलस्तर बढ़ाने की शुरुआत की है, जिससे पानी भी बचाया जा सके और पर्यावरण भी साफ और सुरक्षित रहे। और लगातार ऐसे प्रयास निगम पार्षद मनोज मालावत अपने वार्ड में करते हुए आ रहे हैं और लोगों को शुद्ध पर्यावरण देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह इसी तरीके से वे कार्य कराते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज जी, यहाँ पे जो MCD की पार्क है, यहाँ पे आप किस तरह का काम कर रहे हैं? किस तरह पहले देखिए, अभी हमने पहले पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने अपना यहाँ पर एक पुरानी वाटर बॉडी हमारे मसूदपुर गांव की, जो एक पार्क में तब्दील हो चुकी है, पार्क बनाया गया है यहाँ पर। पार्क काफ़ी सुंदर पार्क हमने डेवलप किया है। तो कहीं आसपास जो जल भराव होता था बरसाती पानी का, उस जल भराव को हम वापस इस अपनी वाटर बॉडी में झोड़ में हम लाने का एक हमने प्रयास किया था सम्मानित गांववासियों के साथ मिलकर, अपने RW वसंत कुंज और कुछ सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर। उसी मुहिम के तहत हमने आसपास का पानी, चाहिए GD गोविंदा के सामने जो पानी भरता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी भरता है, उस पानी को हम अपनी वाटर बॉडी में लाएंगे। मसूदपुर गांव में जो जल भराव होता है पानी का, बरसाती पानी का, वो हम इसमें लाएंगे। तो एक ये वाटर बॉडी तो पुनः जीवित होगी होगी, साथ ही जल स्तर बढ़ेगा। बाहर जो रोड पर जल भराव होता है, उसकी ट्रैफिक में समस्या आती है, या हमारे सीनियर सिटीजन्स को, बच्चों को, महिला को निकलने में जो असुविधा होती है, उस असुविधा से बचे रहेंगे। ये आपने जल जमाव का, जल को सुरक्षित करने का कार्य किया है, ये करेंगे कैसे, अगर आप थोड़ा सा बता सके पानी कहाँ से आएगा और कैसे जाएगा ये? देखिए बिल्कुल, मैं आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा कि ये वाटर बॉडी हमारी एक ये है, एक इसके साथ में दूसरी है, वो जो पुलिया दिख रही है दो, उस पुलिया के माध्यम से पानी दूसरी वाटर बॉडी में जाएगा। और ये देखिए, ये आप ये देख सकते हैं, जो हम एक ड्रेन बना रहे हैं, तो बाहर ये रोड की तरफ, बाहर रोड की तरफ ये जो लाइन जा रही है, वहाँ पे वो रोड है जहाँ पर जल भराव होता है, उस रोड का पानी इससे पाइप के माध्यम से इस वाटर बॉडी में आएगा। ऐसे जो मसूदपुर गांव में जल भराव होता है हमारे में, उसका पानी इस गली, ये गली है, ये ड्रेन उसको कनेक्ट करेगी, इस पाइप के माध्यम से इसमें आएगा। तो ये दो माध्यम तो ये है, एक तीसरा जो दूसरी वाटर बॉडी है, उस उधर पाइपलाइन है, उसको हमने ठीक कराया, एक टुकड़ा पाइप का और डलेगा, तो एक उधर से आएगा, तो तीन तरफ से इसमें पानी आएगा। तो जब ये तैयार हो जाएगी बनके जल्दी, दो चार दिन में, आज बारिश होगी नहीं तो एक ये काम चालू था, तो इसमें पानी समाएगा नहीं इतना पानी हमारी इस वाटर बॉडी में, और आसपास जो भी ट्यूबवेल है, ना सिर्फ वो पुनः जीवित होंगे, पानी अंदर जाएगा और इस पार्क के जो पेड़ पौधे हैं उनको कभी पानी की कमी नहीं रहेगी। मलिक, प्रेसिडेंट RW मसूदपुर। हमारे यहाँ पे वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था और पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे, गांव का अभी ट्यूबवेल चल नहीं पा रहे थे। अब मनोज जी के अथक प्रयास से यहाँ पे वाटर बॉडी का काम चल रहा है, जो चारों तरफ से कनेक्शन इस वाटर बॉडी में आएगा। आज की बरसात में थोड़ी बरसात है, उसी में पानी इतना इकट्ठा हो गया है, पूरी बनने के बाद यहाँ पे पानी की कमी नहीं रहेगी, वाटर लेवल भी ऊपर होगा, पार्क के पौधे भी बढ़िया होंगे और वाटर लेवल बूस्टर्स का भी ऊपर आएगा।